देखिए मैं इसको नज़दीक बाहर ले आ रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मक्का फसल में लगने वाला तना छेदक कीट के बारे में। यह जो कीट है आपके मक्का फसल को किसी भी अवस्था में नुकसान पहुंचा सकता है। पौधा जब छोटा रहता है तभी से लेकर जब आपका भुट्टा निकलता है उसमें भी यह कीट आक्रमण करता है। यह दो प्रकार का कीट होता है, एक होता है मेज स्टेम बोरर, दूसरा होता है अमेरिकन फॉल वर्म। मेज स्टेम बोरर जो है वो जनरली जो पौधा छोटा रहता है उसी अवस्था में आता है, उसको अगर आप दवा का इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल हो जाता है। लेकिन जो अमेरिकन फॉल वर्म है बहुत ही जिद्दी कीट होता है, यह शुरू से लेकर अंत तक रहता है और किसी भी प्रकार का जो दवा का इस्तेमाल करते हैं बहुत ही मतलब रेयर केस में ही मरता है, नहीं तो वह कीड़ा खेत में रह ही जाता है। परंतु आज हम इसको नियंत्रण करने के लिए दवा के बारे में आपको बताएंगे। अगर आपके मक्के फसल में भी यह कीट लगा है, अभी जो समय चल रहा है कि हल्का बारिश हो रहा है, हल्का धूप हो रहा है, चांदनी रात है, इस अवस्था में यह कीट का आक्रमण देखने का आपको खेत में मिलेगा। अगर आप खेत में निगरानी नहीं किए तो निगरानी कर लीजिए, यह कीट आपके खेत में लगा हुआ होगा। देखिए जैसे कि हमारे पीछे यह कीट पौधा दिखने में आप देख सकते हैं, देखिए पूरा हरा भरा दिख रहा है आपको मक्का फसल, लेकिन यह कीट लगा हुआ है। आपको नज़दीक से दिखाऊंगा, देखिए देखिए इस कीट कैसे दिखेगा। यह कीट आप जब भी मक्का ऐसे दिखेगा, मक्का का पौधा तो आप तोड़ के देख सकते हैं। देखिए मैं इसको नज़दीक बाहर ले आ रहा हूँ। तो मैं इसमें रख के आपको दिखाता हूँ। देखिए जस्ट इसी तरह का कीट आपको दिखेगा। देखिए मेज स्टेम बोरर का कैटरपिलर है, ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है आपको। देखिए इस अवस्था में जब फूल निकल रहा है तब लग रहा है, और भी अगर ये नियंत्रण नहीं करते हैं तो भुट्टा में यह कीट लगेगा। तो किसान भाई वो देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाया हूँ मैं जो मक्का का फसल है इसमें किस तरह से कीट का आक्रमण हुआ है, क्या इसका लक्षण है। मैं आपको कीट का व्यवहार दिखाऊं कि कीट कैसे दिखता है। अगर आपके फसल में इस तरह का कीट लगा हुआ है, चाहे वो मेज स्टेम बोरर हो चाहे अमेरिकन फॉल वर्म हो, उसके लिए मैं दवा के बारे में बता रहा हूँ। इस दवा का इस्तेमाल कीजिए, आपका कीट नियंत्रण हो जाएगा। इसमें जो पहले दवा है उसका नाम है कराटे, जो कि सिंजेंटा कंपनी का है। दूसरा जो दवा है बेंजो, यह श्रीडाम कंपनी का है। यह दोनों दवा को मिला के आपको खेतों में स्प्रे करना है। लेकिन सबसे पहले इस दोनों दवा के बारे में अलग अलग जो इसका कार्य कैसे करता है उसके बारे में आपको बताता हूँ। जो पहला दवा है कराटे, यह जो दवा है इसमें पाया जाता है टेक्निकल कंटेंट जो है वह है लेमडा साइलोहेथ्रिन 5% SC। यह जो दवा है एक प्रकार का कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है, जिसको कि आप खेत में अगर इस्तेमाल करते हैं तो यह जो कैटरपिलर है जो काटता है तथा छेदा करता है, इस प्रकार कैटरपिलर को उसके शरीर में लगने से क्या होता है कि सीधा अंदर जाके इंजेस्ट करता है और उसका नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। उससे क्या होता है, खाना पीना छोड़ देता है और कुछ दिन में मर जाता है। और जो दूसरा दवा है बेंजो, इसमें पाया जाता है इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SC। यह जो इमामेक्टिन बेंजोएट है यह जब हम खेतों में स्प्रे करते हैं, जो कीट में जब इससे संपर्क होता है, कीट से जो कैटरपिलर से संपर्क होता है, तो उसमें उसके त्वचा में जब संपर्क में आने के बाद क्या करता है कि उसका खाना पीना छोड़ देता है। वह इंसेक्ट खाना पीना छोड़ने से क्या होता है, पैरालिसिस होता है और 2 से 3 दिन में मर जाता है। अब हम बात करते हैं कि इस दवा का डोज क्या है। इस दवा का इस्तेमाल करने के लिए आपको जो कराटे है, कराटे का आपका जब आपका पौधा अगर बड़ा हो गया होगा तो 1 टंकी में 40 ml कराटे मिलाना है, और जो बेंजो है उसको 12 ग्राम बेंजो मिलाना है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, अगर आपका पौधा बड़ा है जैसे मेरे पीछे लगा हुआ है मक्का का फसल, इस स्थिति में अगर है तो आपको 1 टंकी में जो 15 लीटर वाला टंकी है उसमें कराटे 40 ml डालना है, और जो बेंजो है 12 ग्राम बेंजो उसमें मिला के एक साथ स्प्रे करना है। अगर इसे स्प्रे करेंगे तो आपका जो कीट इसमें लगा हुआ कीट नियंत्रण हो जाएगा। अब हम बात करेंगे सावधानी, इस कीट आप इस दवा को स्प्रे कब करना है। दवा का स्प्रे आप ध्यान रखिएगा कि बारिश आने के 1 घंटा बाद और बारिश आने से 1 घंटा पहले, यानी कि जैसे अभी स्प्रे कर दिए और 5 मिनट बारिश आ गया तो आपका कोई काम नहीं करेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो किसान भाई मेरे द्वारा जो जानकारी दिया गया, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।